हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है। और गूगल शीट में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर गूगल शीट के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है पावर। ठीक है, अब पावर कैसे काम करता है? पावर का मतलब होता है जो आप पावर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू लगाया हमने और यहाँ पे लिखा पावर। ठीक है, तो पावर फंक्शन कैसे काम करेगा? तो यहाँ टू है और टू पे पावर थ्री अगर हो जाता है तो इसका मतलब एट निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए यहां पर 3 हो और यहां पर 3 पे पावर 5 लगा दिया जाए तो इसका मतलब 243 आएगा। तो यहां पर एंटर करता हूं तो रिजल्ट यही मिलता है। अब इसका मतलब क्या निकला? 2 पे पावर 5 का मतलब यहां पे देखिए क्या लिखा था मैंने, 3 पे पावर 5 का मतलब क्या था? तो यहां पे देखिए इज इक्वल टू लगाता हूं और फिर लिखता हूं 3 × 3 फिर यहां पे 3 यानी 5 टाइम लगातार मल्टीप्लाई होता चलेगा 3 और 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 243 आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से करने के बजाय आप पावर फंक्शन का यूज करके करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही बार में हो जाएगा ये।